नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी। दोस्तों, आज हम एक गुड़हल के फूल की चाय बनाएंगे, या फिर आप एक हॉट ड्रिंक भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप इसको ऐसे फ्रेश फ्लावर भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसको ड्राई करके, अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट में है तो थोड़े से ड्राई करके भी रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आप यूज कर सकें। तो मैं इसको ड्राई कर लेती हूँ थोड़े से, और थोड़े से आप यूज़ करेंगे। देखिए, इसकी जो पेटल्स है मैंने सेपरेट कर लिया है, और ये जो बीच में है इसको मैंने बिल्कुल ही अलग कर दिया। ये हमें यूज़ नहीं करना है, ये हमें थ्रो करना है। अब इसको ऐसे सेपरेट करके सुखा देंगे तो जल्दी सूख जाएंगे ये। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही ड्राई हो गए हैं। तो अब हम थोड़े से इसके साथ मैंने रोज पेटल भी ले रखी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक कप चाय बना रही हूँ। आप इसको हॉट में भी ले सकते हैं, या फिर कोल्ड भी ले सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है ये। तो इसके लिए मैंने एक छोटा चम्मच राइस ले रखी हूँ। इसको थोड़ा सा हम भुनेंगे, थोड़ा स्लो आँच में थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए दोस्तों, ये लाइटली ब्राउन हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको और कलर चेंज होने तक हम इसको भुनेंगे। बिल्कुल स्लो में इसको भुनेंगे, अगर तेज की करेंगे तो बिल्कुल जल जाएंगे ये। देखिए, बढ़िया से एकदम लाइट ऑरेंज कलर हो गए हैं ये। हम बस इतना ही चाहिए हमें। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। अभी हम इसका चाय बनाने के स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कप के लिए पानी लिया है। अब इसी में ही हमने जो राइस हमने इसको रोस्ट करा था, उसको इसमें डाल देंगे, और इसके साथ डालेंगे थोड़े से रोज पेटल्स। और ये थोड़े से जो गुड़हल के फूल थे, हिबिस्कस फ्लावर, इसको डाल देंगे। इसके साथ डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। आप ये ऑप्शनल है, नहीं भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी स्वीटनेस के लिए चाहे तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं, या फिर जो खांड होते हैं मिश्री, वो डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से एक दो मिनट के लिए उबलने देंगे। देखिए, मैंने इसको एक दो मिनट के लिए बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। जो हमने मिश्री डाला था वो भी मेल्ट हो गए हैं। अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे, लेमन। एक कप के लिए एक छोटा सा 1/4 टुकड़ा ही काफ़ी है। हम पहले लेमन डालने से पहले गैस ऑफ कर देंगे। अब हम डालेंगे लेमन, इसमें डायरेक्टली डाल देंगे क्योंकि हमें इसको स्ट्रेन भी करना है। अब देखिए इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है, जैसे जो ओरिजिनल कलर था इसका, हिबिस्कस का, जो गुड़हल के फूल का, सेम टू सेम कलर आ गया। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। बस अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसका कितना ब्यूटीफुल कलर आया है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। आप समर में बिल्कुल इसको एक बार ट्राई करें दोस्तों। आप इसको गर्म में भी ले सकते हैं, या फिर आइस डाल के इसको ठंडे में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये मैं पसंद आए तो आप इसको चैनल को लाइक या सब्सक्राइब श्योर कर लें। थैंक यू।